हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त हूँ रोहित रविंदर माथुर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई की i20, जो कि डीजल वाला वेरिएंट है। डीजल के अंदर जो यूज कर रहे हैं भाई, काफ़ी समय हो गया उनको यूज करते हुए, तो i20 की कैसी परफॉर्मेंस है वो सारी बताएंगे। आइए मिलते हैं सिद्धार्थ जी से, और सिद्धार्थ जी बताते हैं अपने बारे में और गाड़ी के बारे में भाई, क्या क्या खूबियाँ हैं, और कोई लेना चाहे तो भाई उनके लिए कैसी क्या रहेगी। ये 2019 मॉडल है डीजल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसका इंटीरियर भी देखने में बहुत ही प्यारा है। गाड़ी के स्टेयरिंग में आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट करवा रखा है, वैसे इसके साथ भी आता है। इस वाले मॉडल में आपको दो एयर बैग मिल जाते हैं। वो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी अंदर से काफ़ी प्रीमियम फील करवा रही है। जो सीटिंग है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। गाड़ी की सीटों का थाई स्पोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैनुअल में दोस्तों आपको इसमें एसी मिल जाता है, चार पावर विंडो मिल जाते हैं, ऑटो डाउन के लिए फीचर दिया हुआ है, नीचे आपको डेड पेडल भी मिल जाता है। और दोस्तों फाइव सीटर में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। जो हेडरेस्ट है वो उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे वालों को और पीछे वालों फिक्स दे रखे हैं। यहाँ दोस्तों आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी का अंदर से इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। और इसमें BS4 इंजन है वैसे तो 2019 के होने की वजह से आज तक 5 साल होने वाले तकरीबन, कोई कंप्लेंट नहीं है। गाड़ी वर्थ है कंपैरिजन टू मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हुंडई की गाड़ी के गेट वेट कुछ बचता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और रही डीजल की पावर की बात, तो ये है 1.4 CRDI, तो उसमें इसके पास बढ़िया पिकअप विकअप है, तो इसमें कभी लैग की फील नहीं होती कि भाई अंडर पावर लग रही हो गाड़ी। डीजल की पंच वगैरह सब अच्छा है इसमें, और 5 साल हो गए चलाते हुए, आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई सर्विस के रिगार्डिंग। अगर जैसे इसकी सर्विस करवाते तो कितनी कॉस्ट आ जाती है डीजल के अंदर? सर्विस की मेरी कॉस्ट आती है 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास हर सर्विस के मेरी आ जाती है कॉस्ट। वैसे भी कंपनी से कराओ तो आप अच्छे से भाई सारी चीज मोस्टली, नहीं तो कभी कभी 8,000 भी आ जाती है। वैसे पेट्रोल के मुकाबले डीजल की मेंटेनेंस महंगी होती है, क्योंकि इसके पार्ट्स महंगे होते हैं कंपैरिजन टू पेट्रोल वाली कार। और जैसे ये सिटी के अंदर एवरेज कितनी निकाल के देती है? सिटी के अंदर एवरेज मैं दिखाई देता हूँ अभी आपको, अभी तो इसने मेरे को दे रखी है 12 के आसपास की एवरेज दे रखी है, 11.5 है, अभी 12 थी थोड़ी दिन पहले, तो ये खड़ी हुई है तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज घट गई है इसकी, तो ये खड़ी में गाड़ी की एवरेज घट जाती है। तो 12 की है, नहीं तो मैंने थोड़ा हाईवे पे चलाई, दिल्ली में UER2 पे चलाई तो 15-16 की हाईवे पे दे देती थी। वैसे इसकी मैंने GT करनाल रोड पे 22-23 के आसपास की एवरेज तो आराम से निकाली थी। हाईवे पे तो हाईवे पे 24 भी दे देती है। हाँ सिटी में तो ये है 12 भी ट्रैफिक है तो 12 के आसपास दे देती है, तो मोस्टली है अगर थोड़ा खुला रोड मिल गया दिल्ली में भी तो 15 भी दे देती है। कल मैंने 15 की निकाल दी थी इसमें। जैसे ये पसंद की भाई और भी सेगमेंट की गाड़ियाँ थी इसी रेंज में, तो यही वाली क्यों पसंद की? एक तो मेरा कंफ्यूजन था, मैं मारुति की गाड़ी में गया था उस टाइम पे, जितना मेरा बजट था ये 8.5 लाख के आसपास पड़ी थी मुझे उस समय पे, तो उस समय मैं मारुति से बेटर मैंने फिर इसको प्रेफर किया, क्योंकि ये उस टाइम ट्रेंड में थी और 2019 में इसकी बैकलाइट्स थी, और फिर हुंडई की गाड़ी का एक ट्रस्ट होता है कंपैरिजन टू मारुति की गाड़ी, तो मैं इस पे गया i20 पे, और 8.5 लाख पे मुझे नहीं लगता आज ये ये कहेगा कि कोई वर्थ नहीं है। ये 5 साल हो गए मुझे तो मुझे कुछ खास इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस टाइम से मेंटेन करो और अच्छे से चलाओ गाड़ी, एक नंबर ओके गाड़ी। वैसे गाड़ी अंदर से काफ़ी प्रीमियम फील करती है। हाँ प्रीमियम फील करती है, इसके साफ सफाई थोड़ा सा मेंटेन रखो तो बेटर रहती है। पावर पिकअप बस इसमें एक दिक्कत है कि इसमें थोड़े टाइम बाद आपको कम से कम 3 साल बाद तो या 3.5 साल बाद क्लच प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। तो कितने पे हुई थी इसकी? मैंने कराई थी इसकी 50,000 के आसपास क्लच प्लेट, अभी 80,000 चल रही है। और भी इसके बाद फिर दोबारा मौका मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, 1 लाख के आसपास मैं कराऊंगा अभी तो ठीक है। वो तो अपनी सहूलियत के लिए है, इंसान जितना हार्ड रहेगा अभी उसको जैसा लग रहा है कि पैर में दर्द हो रहा है तो अपना करा ले चेंज, वो तो कंपनी से हो जाता है, इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, पर कभी ओवर नहीं करा इसने गाड़ी ने, हमेशा वर्थ दिया है, और गाड़ी भागने में माइलेज में सब चीज़ों में ओके है। जैसे आपने चलाते हो काफ़ी समय हो, चलाते हो कैसी फीलिंग आती है? बहुत प्यारी हैंडलिंग है और रिस्पॉन्सिव है गाड़ी, ब्रेकिंग भी इसका ठीक है, बिल्कुल एक नंबर परफेक्ट तो नहीं है क्योंकि भाई
उस हिसाब से, क्योंकि इसके पास दो ही डिस्क ब्रेक्स है, आगे पीछे नहीं है, इसके चारों टायरों में नहीं है डिस्क ब्रेक, तो आगे ही आगे दो टायरों में है, तो इस वजह से ब्रेकिंग उसके अच्छी है। ब्रेकिंग तो इसकी अच्छी है, अच्छी है, और चलाते वक्त फील भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी कम्फर्टेबल। हाँ, और ये मैग्ना प्लस मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल है, ये स्पोर्ट्स शायद इससे एक या दो ऊपर होता है। जैसे भाई इसका एसी कैसा लगा? एसी बढ़िया है, कूलिंग i20 का, हाँ i20 का, ये और डीजल गाड़ी का i20 का कूलिंग बहुत अच्छा है इसका। शाम हो जाए तो टेम्परेचर 47 दिखा रहा है अभी आपको, ये देखो टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, तो 47 डिग्री सेल्सियस में ऐसी कूलिंग दे रहा है तो एसी बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा ये 40-42 पे आ जाए, या मतलब रात भी हो जाए ना थोड़ी सी, अब रात हो जाएगी तो ये मेरे को दो पे भी चिल्ड कर देता है, मेरे को बंद करना पड़ता है, एक पे करना पड़ता है, या कई बार फैन चलाना पड़ता है रात होते तो एसी बहुत ठंडा हो जाता है। 47 में भी ऐसा है, अभी दो पे ही है एसी, तो बहुत अच्छी इसकी सफिशिएंट। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी, ओवरऑल गाड़ी वर्थ है एवरी पेनी, आप जो इसमें पैसा लगा रहे हो वो आपको वर्थ मिलेगा। 5 साल तो मुझे हो गए, आप कंडीशन देखो गाड़ी की, ना बिल्कुल आप कह सकते हो 5 साल आप मेंटेनेंस के ऊपर है। हाँ हाँ इसमें आता है सिस्टम, वो ड्यूअल डिम वाला सिस्टम आता था इसमें जो कंपनी देती थी, वो हटा के मैंने स्क्रीन लगाई थी, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, और जैसे हाईवे पे कभी लॉन्ग ड्राइव पे भी गए होगे तो मैं जम्मू कश्मीर ले लद्दाख, ये गाड़ी सारी जगह ले लद्दाख भी चली गई, ये गाड़ी जम्मू कश्मीर से होते हुए ले लद्दाख आए, ले लद्दाख से वापस रोहतांग पास मनाली होते हुए, कुल्लू होते हुए, फिर नीचे हम चंडीगढ़ आए, हम ऐसे पूरा पहाड़ कहीं रास्ते में परेशान कुछ नहीं। पहाड़ों पे डीजल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी को एक्चुअली ना जो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है रन करने के लिए, उसको जो एचपी बनाती है वो, तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, तो पहाड़ों पे थोड़ी ऑक्सीजन कम मिलती है, तो डीजल की गाड़ी हल्का सा वहाँ थोड़ा बहुत, बिल्कुल वो भी लेह लद्दाख पे हल्का सा स्ट्रगल करती है, वो कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब मेरे को इतना कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल इंसान इतनी हाइट पे डीजल गाड़ी का फील करता है, वो थोड़ा बहुत। जैसे लॉन्ग रूट पे गए थे वहाँ कितने बंदे गए थे आप? इसमें हम 5 जने बैठे थे, वहाँ पहाड़ों में हूँ तो नहीं लगा भाई गाड़ी अंडर पावर, बिल्कुल भी नहीं लगी, पहाड़ों पे कभी दबके नहीं चली, बढ़िया चलती। जैसे भाई जो अपने व्यू है, अगर वो इस गाड़ी को लेना चाहे तो आप इसको प्रेफर करोगे? मैं बिल्कुल 100/100 प्रेफर करता हूँ, बट डोंट गो फॉर टॉप मॉडल, इसका कोई मिड या बेस मॉडल लेके आप वो लो, क्योंकि उसमें पैसे बचेंगे। वैसे पेट्रोल और डीजल में दोनों में गाड़ी i20 बहुत प्यारी गाड़ी है, i20 वर्थ गाड़ी। काट दे भाई, कतई ना काटूं।